इंदौर से बड़ी खबर, कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंप्यूटर बाबा की जमानत निरस्त हो गई। एसडीएम कोर्ट ने फिर जमानत निरस्त कर दी है। 5 लाख रुपए जमानत राशि नहीं जमा करने पर निरस्त की गई है जमानत। बाबा समेत 7 लोगों को जेल भेजा गया था। बाबा के साथियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन कंप्यूटर बाबा को अभी जमानत नहीं मिल पाई है। एसडीएम कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी है। 5 लाख रुपए जमानत राशि नहीं जमा करने पर जमानत निरस्त कर दी गई। कंप्यूटर बाबा का के आश्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें शासकीय काम में बाधा डालने को लेकर पहले पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था, उसके बाद फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। जमानत निरस्त कर दी गई है। दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, क्या बात कही है एसडीएम कोर्ट ने और आगे जमानत की कितनी गुंजाइश है? अब देखिए, कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था धारा 151 के तहत में, और उसके बाद से अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई। हालांकि जो उनके अन्य साथी थे उनकी जमानत कर दी गई है, लेकिन 5,000 रुपए की यहाँ पर सॉल्वेंसी मांगी गई थी, जिसकी व्यवस्था अभी तक कंप्यूटर बाबा की तरफ से नहीं की गई है। और इसी वजह से, यही कारण मानकर कंप्यूटर बाबा की जो जमानत है उसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और संभावना ये भी है कि आगामी 1-2 दिनों में भी यार व्यवस्था नहीं होती सॉल्वेंसी की, तो ये धारा से अभी तक जब लगातार वो जेल में ही बंद रहेंगे, लिहाजा संभावना ये भी है कि दीपावली के बाद ही उनकी जमानत हो पाएगी। लेकिन लगातार कंप्यूटर बाबा को जो गिरफ्तार किया गया, हालांकि धारा 151 प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी जमानत में जो लगातार अड़चनें आ रही हैं उसकी वजह से कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।